सर लाहौर स्मार्ट सिटी में 2.66 मरला कमर्शियल 22-25 लाख ओन पे लॉन्च हुआ था, आज उसका प्रॉफिट 10 लाख है। क्या ये लाहौर स्मार्ट सिटी की तरफ से राइट टाइम है न्यू लॉन्चिंग का? आपको क्या लगता है कि इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट रिटर्न आएगा? टू बी ऑनेस्ट, अगर प्रॉफिट 2.5 मिलियन से लीजिए 10 लाख तक आया तो इट मींस के प्रोडक्ट स्टिल प्रॉफिट में है, उसमें प्रोडक्ट की कोई गलती नहीं है। अगर आप पाकिस्तान में देखें तो इस वक्त एवरेज इन्फ्लेशन 46% की है, तो मैं एनुअल इन्फ्लेशन से लगाऊं तो 500% की इन्फ्लेशन बनती है। अगर आपकी कोई प्रोडक्ट 100 रुपये की थी तो 500 रुपये की होगी, या कोई प्रोडक्ट 1000 रुपये की थी तो 5000 की होगी है। तो लाहौर स्मार्ट ने फिर भी अपने प्रॉफिट्स को मार्केट में रिटेन किया है, ये बहुत बड़ी कामयाबी किसी प्रोजेक्ट की। आप रियल इस्टेट में इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर में कोई प्रोजेक्ट उठा के देख लें तो आपको उनकी जो वर्थ है उनमें तकरीबन 1/3 की गिरावट नजर आएगी। फॉर एग्जाम्पल, को प्लॉट था लेट से जी 6 करोड़ का, अब वो प्लॉट 6 करोड़ का ही है लेकिन रुपी की डिवेल्यूशन की वजह से वो प्लॉट 2 करोड़ का हो गया है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, यानी $3 लाख से $1 लाख का हो गया है। अब लाहौर स्मार्ट सिटी में ऐसा डॉलर का कोई इंपैक्ट नहीं लिया, इन्फ्लेशन का कोई इंपैक्ट नहीं लिया। हाँ, प्रॉफिट्स में रीसेल की मार्केट में थोड़ा सा इंपैक्ट लिया है, बट वो टाइमली कंसर्न है। जैसे लाहौर स्मार्ट की साइड पर चीज़ें डेवलप होना शुरू हुई हैं, बैलेटिंग होना शुरू हुई है, तो वही प्रॉफिट जो नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। जो प्लॉट 8 लाख प्रॉफिट पर, 8 मरला का लॉन्च हुआ था, 7 लाख प्रॉफिट पर था, आज वही प्लॉट आपको मार्केट में 70-80 लाख प्रॉफिट मिलता है, तो वो भी तो एक बहुत बड़ा जंप है।